हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज आई मीन बिट हरी, सो आई एम गोना कवर सम ऑफ योर आर्टिकल्स. बट यस, आई एम गोना गिव यू होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बोर्ड रूम क्लोजर, ये टाटा मिस्ट्री का प्रोजेक्ट जो लड़ाई हो रही है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. देन दिस इज़ अबाउट आर्टिस्ट कोई पेंटिंग एंड दैट इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. तो दिस आर्टिकल स्विज लेसन अगेन, यू हैव टू जस्ट नो फॉर द प्री बेसिस की स्वेज कनाल कहाँ है, क्या है, ये सब कहाँ से पास होता है. फिर ये जेंडर क्राइसिस वी आर गोइंग डिस्कस एंड बंगाल पे आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ मैटर. आई लिटरली हैव लाइक टू पेजेस ऑफ मैटर विद माई सेल्फ एंड तो आई थिंक इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड इट, इट इज इन दैट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स फिनिश दिस पेज फर्स्ट, देन आई टेल यू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे सीधे ये बोला गया कि वीमेन की अभी पैंडमिक में बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है, ठीक है. ये और ज़्यादा वर्क फोर्स से पुश करी जा रही है अलार्मिंग रेट में. लेबर पार्टिसिपेशन उनका इतना गिर गया है कि 11% से अब 2020 में 9% पे आ गए हैं, ठीक है. और ये डाटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी निकाला है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब इसमें ये बताया गया कि वीमेन की हालत क्यों इतनी ख़राब हो रही. पहली बात तो देखो, सबसे ज़्यादा वीमेन टेक्सटाइल और बाकी में भी थी. जब सब कुछ बंद तो इकॉनमी भी बंद हो गई है. अब ये बात ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं कि वुमेन आर पुश टू इनफॉर्मल सेक्टर, जिससे उनको घर से दूर जाना पड़ेगा, फिर उनके चाइल्ड केयर नहीं होगा और ज़्यादा एक से एक प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, ठीक है. तो ये बोला गया कि अब ये सिचुएशन है कि वुमेन की हेल्थ, न्यूट्रिशन, ऑटोनॉमी, ये सब सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं बॉटम ऑफ कास्ट और क्लास हायरार्की की. अभी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वीमेन हायर एजुकेशन में बढ़ रही हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. पर पैंडमिक इन सब गेम्स को थ्रेटन कर सकता है, ठीक है. तो गवर्नमेंट का और पॉलिसी मेकर्स को भी अर्जेंट अटेंशन देनी चाहिए कि वीमेन्स की जो हालत जो नीचे जा रही है उसको देखा जाए कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है. अब नेक्स्ट आर्टिकल ऑन नेट ज़ीरो प्रोसेस. मैंने कल आपसे एक नेट ज़ीरो प्रोसेस पे कार्बन पे डिस्कस किया था. यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल ऑन योर ओन. दिस आर्टिकल इज़ ऑन बीजेपी पॉलिटिक्स एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बंगाल के इलेक्शंस पे हो रहे हैं. आई एम गोना डिस्कस दिस आर्टिकल विद यू. सबसे पहले ये लाइन बहुत अच्छी है, यू कैन राइट इट डाउन. अ वॉर हैज़ अ विक्टर बट अ पैंडमिक हैज़ ओनली वैंक्विश्ड, ठीक है. एक वॉर में कोई जीतता भी पैंडमिक में, पर सब हारते ही हैं एक तरीके से, ठीक है. मतलब बिल्कुल बॉटम मोस्ट पोजीशन में चल जाते हैं. पर उसमें बोला गया कि टीवी और हमारे कोविड-19 को करा गया है कंपेयर, कि टीवी देखो कितने से पुराना है. और एक चीज़ आपने ये देखी होगी कि टीवी पेशेंट जिनके लंग्स वीक हैं उनको कोविड में भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं, ठीक है. तो अब उनको ज़्यादा ICU, ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट लग रहा है, उनके लंग्स ऑलरेडी वेट है, उनकी लेटेंट टीबी जो जिन पेशेंट्स में है उनके पास हाइयर रिस्क है. मतलब समझो 40% इंडियंस हैं जो लेटेंटली इफेक्टेड है. तो कोविड ने ऑलरेडी, इसने कहा कोविड ने देखो 100 मिलियन पीपल को ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे कर दिया, और वो पॉपुलेशन टीवी से भी परेशान हो सकती है, ठीक है. अब इस वक्त कहा गया है कि सक्सेस टीवी कैसे होता है, 9 से 2 साल का एक अन इंटरप्टेड ट्रीटमेंट होता है. टीवी 3 टाइप्स के होते हैं, आपको ये भी मुझे बताने हैं, ठीक है. ड्रग रेजिस्टेंट वो MDR और XDR, मतलब XDR इज़ लाइक अल्टीमेटम की अभी हर चीज़ की उससे हो गया है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है. डॉट्स इसकी जो दवा होती है वो यूज़ की जाती है, डॉट सेंटर्स पे जाते हैं आपको वहाँ दवा मिलती है. तो इसमें ये होता है कि हर्डल्स, अभी कोविड-19 क्या कर रहा है, इंसान सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं. इंडिया ने 4,000 केसेस एनुअली बढ़ा दिए हैं, और ये हमारे 5 साल का जो स्कोर था उसमें 150,000 अब केस हो चुके हैं. इवन BCG वैक्सीन भी मिल रही हैं. कोविड की वजह सब कुछ बंद हो गया, हमारा जो नेशनल TV प्रोग्राम था वो भी अफेक्ट हो गया. तो अब इस ऑथर ने कहा हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग जैसे कोविड को डील करते वैसे ही टीवी को डील करें तो ही अच्छा होगा. पब्लिक एक्सपर्ट्स को ये क्वेश्चन आस्क करना चाहिए. सब मास एक न्यू नॉर्म बन गया तो एक अच्छी बात है कि टीवी पेशेंट तो अब ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे. अब उनका ये जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं जो कोविड में हेल्प कर रहे हैं, क्या हम उनको नहीं टीवी के पेशेंट्स की तरफ पुश कर सकते. इवन डॉट्स की वो मेडिसिन दें, एनरोल कराएँ, ये सब. और यही क्यों हम लोग फास्ट ट्रैक टीवी ड्रग और वैक्सीन पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है. और हम लोग इवन जो टीवी के लिए सिर्फ एक वैक्सीन है जो कितने एक सेंचुरी चली, और कोविड के लिए समझो 12 वैक्सीन्स डिस्कवर हो चुकी हैं इतनी ज़्यादा स्पीड में. 12 बहुत ज़्यादा है. 70 तो Phase 3 ट्रायल में, 175 प्री क्लिनिकल में, 3 आप सामने देख रहे हैं, जो 2 आपकी जो चली कोविशील्ड और दूसरी, ठीक है. तो ये अब क्या, बस यही उन्होंने कहा कि क्या हमारी कलेक्टिबल उसको रिजॉल्व कर सकती कि नहीं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.